नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। पूरे देश में कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन का ऐलान है। 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 17वां दिन है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से लड़ने का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चाहे जो हो जाए, घर से नहीं निकलना, हमें इसकी कुछ आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। लेकिन याद रखें कि जान है तो जहान है। इस मुश्किल वक्त में सेवाएं दे रहे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और सरकारी निर्देशों का पालन कर अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि कोरोना का मतलब है कि कोई रोड पर ना निकले। प्रधानमंत्री के इन निर्देशों के बाद पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला और आम जनता भी अपना सहयोग दे रही। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के चलते लॉकडाउन का ब्रेकडाउन जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हर जगह पुलिस बल तैनात है। जिस तरह से गांवों में आवागमन को कम करने के लिए ठीकरी पहरे लगाए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर करनाल शहर में भी ठीकरी पहरे लगने शुरू हो गए हैं। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने कुछ ऐसे स्थानों का दौरा किया जहां ठीकरी पहरे भी पहले से लगे थे, तथा कुछ ऐसे स्थान भी है जहां पर आवागमन को रोकने के लिए रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। समाचार एक्सप्रेस की टीम सबसे पहले करनाल के वार्ड नंबर 4 के करण विहार एरिया के प्रवेश द्वार पर पहुंची, जहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना के साथ साथ कई युवा मौजूद, जो कि हर आने जाने वाले से आने का कारण और जाने का कारण पूछ रहे थे। जिनका कारण सही पाया गया उन्हें जाने दिया गया। बकायदा उन्हें यह भी कहा गया कि वह बार बार घरों से बाहर ना निकले, इसी में उनकी और समाज की भलाई है। ठीकरी पहरे पर बकायदा एक रजिस्टर रखा हुआ है, जिस पर प्रत्येक वाहन का नंबर और आने का समय अंकित किया जा रहा है, ताकि यदि कोई चूक होती है तो रजिस्टर के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। बातचीत करते हुए पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना ने बताया कि प्रशासन के आदेश को मानना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आज समय आ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्देशों का पालन करे। यदि कोई आवश्यक काम है तो घर से ही बाहर ना निकले, अन्यथा घर में ही रहे, क्योंकि यदि आप घर में है तो सुरक्षित है, आप सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, अगर समाज सुरक्षित है तो पूरा देश सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आने जाने वाले वाहनों की जांच भी की जा रही है। वहीं वहां मौजूद एक अन्य युवा जिसके साथ में एक डंडा भी था, जब उससे डंडा रखने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वैसे तो सभी नागरिक सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जो कि अड़ जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा खौफ दिखाने के लिए इसे रखा गया है। आपको बता दें कि उनके पास डंडे का होना जायज भी है, क्योंकि आप देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं कि किसी तरह ठीकरी पहरा दे रहे वॉलंटियर्स पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी जी के साथ, और इस समय हम मौजूद है करण विहार क्षेत्र में, जो वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत आता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि गाँव की तर्ज पर अब शहरों में भी ठीकरी पहरे लगाने शुरू कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेड्स लगाकर किसी भी तरीके से रास्ते को रोका गया है, ताकि आने जाने वालों पर लगाम किया जा सके कि लोग अनावश्यक रूप से ना निकले घरों से बाहर। ऐसी इन खबरों को हम पिछले कई दिनों से लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, अपील करते आ रहे हैं कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो बीमारी फैल रही है वह संक्रमण ना अधिक फैले। लोग जितना घर में रहेंगे, स्टे घर में रखेंगे, अपने आप को उतना ही सुरक्षित रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इसके अलावा पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं, देखिए ये किस तरह से आने जाने वालों से कारण पूछ रहे हैं। ये देखिए, इस समय हमारे साथ भूपेंद्र नोतना जी हैं, कि जो वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। हाँ जी नोतना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत कौन कौन से एरिया आता है? मेरे वार्ड नंबर 4 के अंदर ये करण विहार, दुर्गा कॉलोनी, उत्तम नगर, सरस्वती विहार, MITC और पृथ्वी विहार, MC कॉलोनी, सुगर मिल, सूरज नगर, बट्टा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, ये सारे एरिया मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 4 के अंदर आते हैं। सर, सभी के अंदर बैरिकेड्स लगा दिए गए? इसके अंदर कुछ तो, जैसे सूरज नगर का कोई एरिया है, एक दो का छोड़ के
कोई निकलने घुसने के लिए आने के लिए जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। जैसे करण विहार में भी एक दो रास्ते छोड़े गए हैं, विजेता स्कूल के पास से रास्ता छोड़ा गया है, लेकिन करण विहार के जितने भी मेन रास्ते हैं, उत्तम नगर के, दुर्गा कॉलोनी के जितने मेन रास्ते हैं, सारे बंद किए गए। सर, इनके पीछे पर्पस तो वही है सबका? सेम पर्पस यही है कि कोई बाहर से कोई बीमारी ना ला सके। सबसे प्यार है, सबसे ऐसी बात नहीं है किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, बड़े प्यार से सबसे पूछा जा रहा है। कोई हमारे को सब कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कोई दुर्व्यवहार कोई नहीं कर रहा सब। सर, ये जो वॉलंटियर्स आपके साथ खड़े हैं, इनको आपने अपने स्वेच्छा से चुना है या आपने आप आगे आए हैं? ये बड़े गर्व की बात ये है कि भाई ये खुद मेरे पास एक बार चल के आए थे कि नौतना जी हम बैरिकेड्स लगाना चाहते हैं, हम आप हमारा सहयोग करो। तो हमारे ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन थी कि भाई एसपी साहब, डीएसपी साहब ने हमारे को कहा था कि अपने अपने वार्ड के अंदर बैरिकेड्स लगाएं। तो हमने फिर इन बच्चों को कहा कि भाई आप लोग करो काम। ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से सबसे बात कर रहे हैं। कोई आ रहा है जा रहा है, कोई अगर खेत में जा रहा है, कोई जेन्युइन मजबूरी कोई बता रहा है तो उसको जाने दिया जा रहा है। अदरवाइज सबको कहा जा रहा है कि अपने घर में रहो, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है अन्यथा तो उसको कह रहा है कि आप बाहर ही रहो, आप अंदर मत आओ। सर, इनकी ड्यूटी आप कैसे करेंगे, रात के समय कैसा रहेगा? ऐसा जी, इसके अंदर चार चार लड़के हमने बैठाने का एक निश्चय निर्णय लिया है कि सवेरे के टाइम भी चार लड़के बैठेंगे, शाम के टाइम भी फिर चार लड़के बैठेंगे। इसी तरीके से हमारा 24 घंटे का ये बैरिकेड लगा रहेगा। तो मेन हमारा पर्पज ये है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे वार्ड में ना घुसे। सर, चार जो लड़के आप रखेंगे, जो चार लड़के एक समय में ड्यूटी देंगे, उनकी ड्यूटी आवर्स क्या क्या होंगे? इसके अंदर 8-8 घंटे का एक हमने बनाया है, तो चार लड़के 8 घंटे करेंगे, फिर 4 घंटे, फिर 8 घंटे करेंगे, इस तरीके से हम। तो मतलब ये लगातार 24 घंटे रहेगा, रात में भी जारी रहेगा? बिल्कुल, रात में। सर, इनकी सुरक्षा, जो वॉलंटियर्स आपके साथ खड़े हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? इनकी सुरक्षा के लिए हमारे को डीएसपी साहब ने कहा है कि ये 32 सेक्टर थाना हमारा बड़ा नज़दीकी है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मैं तो इनके साथ खड़ा ही खड़ा हूँ, बाकी पुलिस प्रशासन का भी पूरा योगदान हमें मिल रहा है। देखिए, ये पार्षद प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र नौतना जी, इन्होंने हमें जानकारी दी कि हमने वार्ड को पूरी तरह से सील बंद कर दिया है, लेकिन एक दो रास्ते ऐसे हैं जहाँ से आना जाना किया जा सकता है, लेकिन वो भी जेन्युइन मजबूरी अगर है तो ही आने जाने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं, इनके पास कुछ एक डंडे हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने ये लठ क्यों रख रखे हैं। सर, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। ठीक है जी, आपके हाथ में लट है, ये किस कारण से? सर, वैसे तो देखिए हम सभी से प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, वो हमारी बातों को मानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डराने के लिए है, लेकिन और कुछ नहीं है इसमें। देखिए सर, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि शालीनता से पेश आ रहे हैं, सब कुछ जेन्युइन तरीके से चल रहा है, लेकिन हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि इनको ये रखना मजबूरी भी माना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा भी है और सुना भी है कि इनके साथ जो ठीकरे पैरा दे रहे हैं वो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये देखिए, हर आने जाने वाली गाड़ी के नंबर को, आने जाने का समय, बकायदा हर चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है वार्ड नंबर 4 में। ये देखिए, ये जो गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, उनके आने का समय, जाने का समय, सब कुछ नोट किया जा रहा है, ताकि कल को अगर कोई, भगवान ना करे, कोई चूक होती है तो इसको दिखाकर उसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। अब ये ट्राली आ रही है हमारे सामने, मैं दिखाना सनी जी को कहूँगा, दिखाएंगे। ये देखिए, अब पहले इनसे पूछताछ होगी कि कहाँ जाना है। देखिए, इस ट्राली को वापिस लौटा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने फूसगढ़ जाना है और इनको फूसगढ़ जाने का दूसरा रास्ता बता दिया गया है कि वो इस रास्ते से नहीं जा सकते, वो बकायदा वहां जाएंगे। अब एक और सज्जन हमारे साथ आई, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? अमन। अमन जी, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, डिग्री पहरा दे रहे हैं, आपके पास किन किन लोगों को जाने देने की परमिशन आई? जिन पे डीसी की परमिशन है, कोई पास है, दूध वाले, सब्जी वाले, बस। तो सर, अगर कोई मान लो कोई जेन्युइन रीजन लेकर आता है, उसे भी जाने देते हैं। तो आपके पास कोई, मतलब आप उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं? आधार कार्ड चेक करते हैं कि आपके वार्ड का है कि नहीं। ये देखिए दोबारा से, ये किस तरह से इनके आने का कारण पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये बकायदा आने जाने वालों के हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण की शंका ना ही हो। ये देखिए, ये बुजुर्ग लोग भी कहीं से आए हैं, इनको भी करण विहार के अंदर अगर वो एंट्री कर रहे हैं तो उनके हाथों को सैनिटाइज करके
आगे ही जाने दिया जा रहा है, ये देखिए। और बार बार उनके द्वारा भी लोगों से अपील है कि कम से कम घर से निकलो, ना ही निकलो तो बेहतर है, क्योंकि प्रशासन द्वारा घर पर ही दवाइयों और राशन वगैरह होम डिलीवरी की व्यवस्था कर दी गई है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी जी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। इसके बाद समाचार एक्सप्रेस की टीम करण विहार के स्पॉट नंबर 2 पर पहुंची, जहां पर ट्राली को अड़ाकर मार्ग को बंद कर दिया गया। वहां खड़े वॉलंटियर्स ने बताया कि पार्षद के निर्देशों के बाद वह वहां पर मौजूद है, किसी को भी बिना अनुमति के आने जाने की अनुमति नहीं है। एक अन्य महिला ने बताया कि वह ठीकरी पहरे से बेहद खुश है। इनके घर के सामने पार्क है, जहां शाम होते ही बड़ी संख्या में बच्चों और बड़े खेलने और टहलने आ जाते हैं, जिससे संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ती है। ठीकरी पहरे के बाद बच्चों और बड़े बाहर नहीं आ सके और बीमारी नहीं फैल सकेगी। ठीकरी पहरे के लिए उन्होंने प्रशासन को भी धन्यवाद किया है। हम पहुंच चुके हैं करण विहार से, करण विहार के अंदर प्रवेश करने के लिए जो दूसरा द्वार है, जिसको हम दूसरा स्पॉट भी कह सकते हैं, वो उस देखो किस तरह से उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। किसी कोई भी चीज मिले, बस इनका मकसद मात्र और मात्र सिर्फ रास्ते को रोकना है, ताकि लोग बाहर ना जा सके, अंदर से बाहर ना जा सके, बाहर से अंदर ना आ सके। जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि करण विहार के अंदर अगर आपको प्रवेश करना है तो एक या दो रास्ते खुले हैं, आप वहां से प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको बाकायदा जानकारी देनी होगी कि आपके आने का कारण क्या है और जाने का कारण क्या है। जाने का कारण जेन्युइन मिला तो आपको जाना दिया जाएगा, आने का कारण जेन्युइन मिला जाएगा तो आने भी दिया जाएगा, अन्यथा आपको बैरंग जाना पड़ेगा। इस समय हमारे साथ एक उस स्पॉट पर मौजूद हो एक और सज्जन मौजूद है, जिनका नाम सचिन है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सचिन जी। हाँ जी सर। आप क्या आप यहाँ पे किस लिए कर रहे हैं? बस ये आदेश आए थे जी हमारे MC साहब के, कल बता गए थे, तो फिर हमने ये नक्का लगा दिया यहाँ पे। बिल्कुल, कोई जिसको कोई काम है, पर्सनली काम है, वो बेशक आवारागर्दी के लिए किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सेफ, बिल्कुल कोई लोगों का भी प्रोत्साहन अच्छा मिल रहा है। देखिए सर, इनका कहना है कि लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे MC ने ऑर्डर किया था, और MC के ऑर्डर के बाद इन्होंने यहाँ पर ठीकरी पैरा की लगाना शुरू कर दिया है। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आपका शुक्रिया। सोनू जी आप भी इसी ठीकरी पैरे में? हाँ जी हाँ जी। तो सर आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील यही करना चाहेंगे जी, अपने घरों में रहे, अपना सेफ है, घरों से बाहर निकलोगे तो बीमारी लगेगी, अपने घरों में रहे सेफ रहोगे तो ठीक है। सर इनका भी यही कहना है कि घरों में रहोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि जो भी आपकी ज़रूरतों का सामान है उसको प्रशासन ने आपके घर तक मुहैया कराने का प्रबंध कर दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन तक सूचना देनी है। आप अपने पार्षद के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, अपने पार्षद को अगर आप सूचना देंगे तो वह सूचना आगे तक पहुँचाएंगे और आपकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए एक और महिला हमारे साथ आ रहे हैं, अभी इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि क्या ये जो लॉकडाउन है या जिस तरह से ठीकरी पैरा लगाया गया है, इससे इनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही अभी? ठीक है सर। ये देखिए हमारे साथ एक मैडम, सबसे पहले आपका नाम? हाँ मेरा नाम अनिता शर्मा है। मैम जैसे आपको पता है कि पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के बाद अब कल रात से यहाँ पर ठीकरी पैरा भी लगा दिया गया, इससे आपको कोई परेशानी है? नो सर, इससे हमें कोई परेशानी है, बल्कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो आते हैं लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता, भीड़ इकट्ठा करते हैं पार्क में, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने एक लाइव भी डाला है उस पर, तो थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके लोगों की से क्या अपील? लोगों से यही अपील है, अपने घरों में रहें, तभी ये कोरोना वायरस रोका जा सकता है, वरना तो आप सभी को पता है कि अगर एक को हुआ तो उससे हज़ार लोगों को हो सकता है। देखिए इनका कहना है कि घर के पास एक पार्क है, इस पार्क में खेलने के लिए बच्चे भी आते हैं, टहलने के लिए बड़े भी आते हैं, जिस वजह से परेशानी का सबब भी बन सकती थी वो सारी चीज़ें, लेकिन इनका ये भीड़ हो जाती थी शाम को। इनका ये कहना है कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो अपने घरों के अंदर अंदर रहें, बाहर ना निकले। अगर वही बात बार बार हम अपील कर रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार, कि अगर आपको अधिक ज़रूरत का काम है, अधिक अनावश्यक ना निकलें, अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो ही बाहर निकलने का प्रयास करें, अन्यथा घरों में रहें। स्टे होम स्टे सेफ, ये हमारी भी अपील है आप सब लोगों से। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी जी का समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। इसके बाद समाचार एक्सप्रेस की टीम सेक्टर 6 में पहुंची। आपको बता दें कि सेक्टर 6 में आने के लिए कुल 5 रास्ते हैं, जिनमें से 4 को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मात्र एक रास्ते के माध्यम से ही आना जाना हो सकता है, वह रास्ता भी पुलिस चौकी की तरफ से होकर जाता है। आने जाने वालों से पुलिस अपने स्तर पर बातचीत करती है। जिन स्थानों पर बैरिकेड्स लगे हैं, वहां पर बैरिकेड्स के नीचे से कुछ लोग आ जा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वह बैंक से आ रहे हैं। बकायदा अपने हाथों में पकड़ी बैंक की पासबुक की कॉपी भी उन्होंने दिखाई,
जिससे यह जाहिर हो रहा था कि वह निजी कारणों से घर से बाहर आए, यानी ठीकरी पहरों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसा कि पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस की दहशत है, हर जगह लॉकडाउन है, कर्फ्यू की स्थिति है और गांवों की तरफ पर शहरों में भी ठीकरी पहरे लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि सेक्टरों तक को सील कर दिया गया, आने जाने के जो भी प्रवेश द्वार हैं उनको विभिन्न तरीकों से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कहीं पर पौड़ी घोड़ी ये देखिए पत्थरों का इस्तेमाल करके आने जाने के रास्तों को सील कर दिया गया है। यह सारी की सारी प्रशासन की जिम्मेवारी है और वह उसको बखूबी निभा रहे हैं। वार्ड नंबर चार के बाद हम पहुंचे वार्ड नंबर आठ में, जिसे हम सेक्टर छः में भी हम सेक्टर छः कहें क्योंकि हम इस समय सेक्टर छः में मौजूद हैं। मैं कैमरा पर्सन सनी चौधरी जी को वो दिखाएंगे किस तरह से बैरिकेड्स लगाकर आने जाने को रोका गया है। लेकिन बावजूद इसके देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल आ रहे हैं, उनको पता है कि वहाँ नहीं निकल सकते तो पैदल यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर कोई वॉलंटियर्स मौजूद नहीं है जो इनसे ये पूछ सके कि हाँ उनके आने का कारण और जाने का कारण क्या है। ये देखिए, आइए हम आपको लेकर चलते हैं किसी और स्पॉट पर जहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा हो सकता है देखने को मिले। ये देखिए, ये एक ये सज्जन आ रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये आ तो पैदल रहे हैं लेकिन इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो इनको लॉकडाउन के दौरान भी घर से बाहर आना पड़ा। सर आप दीपक सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेडिकल शॉप दवाई लेने के लिए आप आए। सर इनका ये कहना है कि विकास कॉलोनी के रहने वाले हैं, सेक्टर छः में आए थे मेडिकल की दवाई लेने के लिए। विकास जी, मेडिकल की शॉप तो विकास कॉलोनी में वहाँ बंद पड़ी है। अच्छा सर, तो एक और इनका कहना है कि वहाँ बंद है दुकान, इसलिए इनको मजबूरन आना पड़ा सेक्टर छः में। एक और सज्जन है हमारे साथ, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण रहा। देखिए, हाँ जी नमस्कार सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बैंक से। देखिए, इनका भी जन्म रीजन है, इनके हाथ में पासबुक भी है, हम देख भी सकते हैं। इनका ये कहना है कि वो किसी काम से बैंक गए थे, बैंक से वो काम निपटा कर अपने घर की ओर आ रहे हैं। अब ये कुछ लोग और भी आ रहे हैं, इनके हाथ में बैंक की पासबुक दिखाई दे रही है, ये सब लोग भी बैंक के हैं। देखिए, बैरिकेड लगे होने के कारण वाहन नहीं आ जा रहे लेकिन लोग पैदल आने जाने का कष्ट उठा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अगले एक और स्पॉट पर जहाँ पर हमें कुछ और जानकारी मिलने की उम्मीद भी है। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने वार्ड नंबर आठ जिसमे की सेक्टर पाँच छह और सेक्टर चौदह पार्ट नंबर वन और पार्ट टू आता है कि पार्षद मेघा भंडारी से विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद मेघा भंडारी ने बताया कि उनके द्वारा उनके सेक्टर के एक रास्ते को छोड़कर सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम 80% तक पूरा हो चुका है, जो कार्य बचा है उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि किसी जरूरतमंद का फोन उनके पास आता है तो वह उनकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करते हैं, किसी को भी कोई समस्या नहीं आने दी जा रही। वह अपने स्तर पर 250 राशन की किट वितरित कर चुके हैं। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वह प्रशासन के आदेशों और निर्देशों का पालन करे। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह अकारण भरते से बाहर न आए और घरों में ही सुरक्षित रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया से जुड़े लोगों को उनके योगदान के लिए सैल्यूट भी किया। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 6 में और हमारे साथ विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 8 की पार्षद श्रीमती मेघा भंडारी भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने अपने वार्ड को बेहतर और स्वस्थ बनाए रखने के लिए, वार्डवासियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। मैम, सबसे पहले आप समाचार एक्सप्रेस की तरफ से नमस्कार। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सेक्टर को आपके वार्ड नंबर 8 में कौन कौन से एरिया हमारे नमस्कार पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस की टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे वार्ड में आए और आपके थ्रू ही हम रूबरू होते हुए अपने वार्ड वालों को कुछ संदेश देंगे। और सबसे पहले मेरे वार्ड नंबर 8 में 3 सेक्टर आते हैं, 5, 6 और 14, पार्ट 1, पार्ट 2 पूरा आता है। क्या सारे जो वो हैं आपका एरिया है जो वार्ड नंबर 8 का, क्या सारों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? वैसे हमारे यहाँ पे 80% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 14 पार्ट 2 की थोड़ी सी रह गई है, वो भी हमारी कोशिश है आज नहीं तो कल हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे। तो जैसे बैरिकेड्स लगाए हैं
तो वो बैरिकेड्स पूरे क्षेत्र वार्ड में लगाए गए हैं। हमारे जो बैरिकेड्स हैं वो सेक्टर 6 में 5 एंट्रीज है, जिसमें चार जगह पे हमने एंट्री बैन करी हुई है, जिसका रीज़न ये है कि ना ही कोई अनसस्पेक्टेड कोई लोग हमारे वार्ड में आए और ना ही लोग घरों से बाहर निकले। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का जो आह्वान किया है उस चीज़ को हम पूरा करते हुए उनका साथ देते हुए लॉकडाउन का मतलब हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप अपने सिर्फ घरों में रहें। उनकी सुख सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने राशन सब्जियाँ होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ के थ्रू करी हुई है। सिर्फ यहाँ पे मेडिकल स्टोर है जो अपनी पूरी कोशिश करता है कि होम डिलीवरी पहुँचा दे, और अगर वहाँ पे लोग वहाँ पर जाएँ तो दो दो मीटर की दूरी पर चार सर्कल्स बनाए हुए हैं जिसके दायरे में ही लोग मेडिसिन ले रहे हैं। मेरे पूरे सेक्टर में, पूरे वार्ड में किसी भी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही जब से लॉकडाउन हुआ है। मैम, ये जो आपका दूसरा एरिया सेक्टर 14 वाला पार्ट 1 और पार्ट 2, क्या वहाँ भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं? वहाँ पे कुछ एरिया में बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और वहाँ के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर भी पुलिस का पूरा नाका है। और मैं सच में सल्यूट करती हूँ हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे DC साहब को, नर्सेस को, खासकर सफाई कर्मचारियों को, जो लगातार लॉकडाउन होते हुए भी अपनी पूरी ड्यूटी पे तैनात है। कल हमने उनको सैनिटाइजर और मास्क बांटे, उनका धन्यवाद दिल से मैंने करा कि जैसे लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ स्वीपर्स हैं, वो भी घर से बाहर निकल रही हैं खाना बनाकर अपने बच्चों को छोड़कर, लॉकडाउन के टाइम पर भी पूरी व्यवस्था देख रही हैं, पूरा संभाल रही हैं। वो किस लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सुरक्षित रहे। और खासकर मैं अपने पूरी कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता की टीम का धन्यवाद करती हूँ। हमारे MP साहब जो है करनाल का पूरा मुआयना ले रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जगमोहन जी जो है दिन रात इस चीज़ की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमें लोगों को कष्ट ना हो। हमारी मेयर मैम जो है, हमारे कमिश्नर साहब, DC साहब, SP साहब, सब दिन रात अपनी रातों की नींद खो बैठे हैं इस चक्कर में कि करनाल का हर एक व्यक्ति जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे। हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, आपने बैरिकेड्स तो यहाँ लगाए हुए हैं लेकिन यहाँ पर ना कोई वॉलंटियर्स मौजूद नहीं है। हमने नोटिस भी किया कुछ लोग बैरिकेड्स के नीचे से आ जा रहे हैं, हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपना रीज़न भी बताया, जेन्युइन रीज़न हमें भी लगा। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? ऐसे जो बैरिकेड्स हमने लगाए हैं वो हमने पुलिस जो फोर्स है हमारे सेक्टर 6 की, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने लगाए हैं। और उसमें हमारा पुलिस जो वाले हैं वो बार बार पूरे सेक्टर में आप देखेंगे कि चार राइडर्स, जो पुलिस राइडर्स हैं, वो पूरे सेक्टर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो सारा टाइम घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई भी कंप्लेंट रहती है वहाँ पर जाकर पहुँचते मिलते हैं। और जो बैरिकेड से निकल रहे हैं उनके कुछ अपने रीजन से, जो बैंक वाले हैं, हमारे सेक्टर 6 में 6 बैंक्स हैं तो उन लोगों को आने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो आ रहे हैं। वैसे मैक्सिमम जो लोग हैं सेक्टर 6 वो एजुकेटेड वार्ड है, लोग समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, तो वो अपने घरों में देखेंगे। आप पूरा सेक्टर 6 भी चलाए, आप जाके राउंड मारेंगे, आप पूरा 14 मारेंगे, 5 मारेंगे, सब लोग अपने घर में व्यस्त हैं। क्योंकि मोदी साहब ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि हमें 3 काम ही करने हैं, घर पर रहना है, घर पर रहना है, और सिर्फ घर पर रहना है। तो उस चीज़ का पालन करते हुए मैं अपने पूरे वार्ड वासियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो उनका आह्वान पर जो ये कार्य कर रहे हैं वो हम सबके लिए कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं कि सब सुरक्षित रहें। मैम, क्या किसी निजी पर्सन का आपके पास फोन आया? अगर आया तो आपने उसकी किस तरह से हेल्प? ऐसे हमारे पास जब हमें पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारा जो सेक्टर 6 का एरिया है हाउसिंग बोर्ड, वो थोड़ा सा लेबर तबका है, जैसे जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, रेहड़ी वाले, वो वहाँ पे रहते हैं, तो हम लोगों ने सूची बनाई और 250 पैकेट्स हमने उनको बांटे, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से बांटे, वार्ड वालों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बांटे। उन लोगों को तो हमने 20 दिन का राशन पहुँचा दिया है। आने वाले टाइम में अगर फिर दोबारा कोई हम लोगों को लगता है कि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हमेशा उनके लिए तैयार हैं, उनकी सेवा के लिए। थैंक यू। मैं हाथ जोड़ के अपने वार्ड वासियों से पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरह से वो लॉकडाउन का समर्थन दे रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और आने वाले टाइम में मोदी जी के जैसे भी संदेश होंगे, हमारा पूरा वार्ड जो है उनके साथ बढ़ चढ़ के इस चीज़ का साथ देगा, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा देश तरक्की के मार्ग पर चलेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के पास श्रीमती मेघा भंडारी जी। इन्होंने हमें जानकारी दी कि इनके वार्ड के अंतर्गत जो भी एरिया आता है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम 80% तक पूरा हो चुका है, और इसके अलावा अगर किसी ज़रूरतमंद लोगों को इनके पास फ़ोन आता है तो इन्होंने बाकायदा सूची बनाकर वहाँ पर उनको राशन वितरित किया है। करीब 250 पैकेट का इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने बताया है, और इनका ये कहना है कि इनके वार्ड में पुलिस लगातार गश्त कर रही है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ करनाल प्रशासन बेहतर प्रयास कर रहा है। इसके अलावा ये तहे दिल से करनाल प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी और सफाई कर्मचारियों का तहे दिल से स्वागत कर रही हैं और धन्यवाद कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि, और ये हाथ जोड़कर पुनः अपील कर रही हैं कि कृपया प्रशासन के निर्देशों की पालना करें। जो भी आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, आप उनको पालना कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी जी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।